हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन के बारे में। तो यार, एक भाई का कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि मुझे एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन चाहिए। तो यार चलते हैं, पहले सिंपली हम लोग एक्सिस बैंक की ऑफिशियल साइट पर। तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं एक्सिस बैंक की ऑफिशियल साइट पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहले यार यहाँ पे इनका ईएमआई कैलकुलेटर हम लोग को देखने को मिलता है। तो ईएमआई कैलकुलेटर हम लोग डालते हैं, यहाँ पे हम जिस तरीके से अमाउंट डालेंगे उस तरीके से यहाँ पे एलिजिबिलिटी सेट हो जाएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इनके कैलकुलेटर पर 2 लाख का, हम लोग मिनिमम 2 लाख का अमाउंट डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे 2,11,000 पड़ा हुआ है तो हम यहाँ पे 2 लाख का कर दे रहे हैं, ठीक है। 2 लाख का अमाउंट डाले दे रहे हैं, 2 लाख का डाला और 1 सालों के लिए मिनिमम 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सबसे मिनिमम ले ले रहे हैं। तो हम लोग की जो मंथली किस्त जा रही है वो 17,675 रुपये जा रही है। मेरे भाई, मैंने क्या किया, इनके कैलकुलेटर पे आया, उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 लाख का, मतलब कि 2 लाख का अमाउंट डाला, वो भी 12%, मतलब कि 12 महीने के लिए, तो 1 साल होता है 12 महीना मतलब, और 10.99% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो हम लोग की जो मंथली किस्त निकल के आई वो 17,675 रुपये। अगर आप 2 लाख का अमाउंट 1 सालों के लिए 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेते हैं तो आपका जो मंथली किस्त बनेगा वो 17,675 रुपये बनेगा, ठीक है। तो ये आपका एक्सिस बैंक। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि हम लोग की एलिजिबिलिटी क्या सेट हुई है। तो यहाँ पे आएंगे इंडिविजुअल हु कैन टेक पर्सनल लोन। तो आप सैलाइड एम्प्लॉय हो, या तो सैलाइड डॉक्टर हो, या एम्प्लॉय पब्लिक सेक्टर, या कहीं से भी बिलोंग करते हो, तो आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 21 या और मैक्सिमम आपकी 60 साल होनी चाहिए। तब अगर आप 2 लाख का अमाउंट लेते तो आपकी जो मिनिमम मंथली ग्रोथ सैलरी होनी चाहिए वो 15,000 रुपये महीना होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ से लोन प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो मिनिमम मंथली इनकम जो आपकी होगी वो 15,000 रुपये होगी, तो आप लोग आसानी से 2 लाख का अमाउंट 1 सालों के लिए 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट सेक्शन में बात करी जाए कि आप लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा, तो डॉक्यूमेंट सेक्शन में आप लोग केवाईसी के लिए आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, या तो वोटर आईडी दे सकते हैं, तो कुछ भी आप लोग दे सकते हैं। आधार कार्ड नंबर हो तो वो भी आप लोग का लग जाएगा। डेट ऑफ बर्थ में आप लोग को क्या क्या देना पड़ेगा, पैन कार्ड देना पड़ेगा, अब पैन कार्ड भी दे सकते हैं, और अदरवाइज आप लोग सिग्नेचर प्रूफ के लिए आप लोग पासपोर्ट पैन कार्ड आप लोग दे सकते हैं। तो पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेसिस में आप लोग को कई सारे प्रूफ ऑफ इनकम में के लिए अलग चीज़ देनी पड़ेगी। लास्ट 2 मंथ सैलरी स्लिप देनी होगी, लास्ट 2 मंथ बैंक स्टेटमेंट देनी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। अब आप लोग ये समझ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए 2 लाख के अमाउंट पे। अब आप लोग को लग रहा होगा, जो भाई आपने ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया, ये आप लोग आपने कैसे बताया? तो यार एक सिंपल होता है कि आपका, या तो एक आपकी सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ पे आप लोग इंटरेस्ट इनके इन्हीं वाले बैंक के साइड पे इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस वाला बेनिफिट्स आप लोग को देखने मिलता है। तो ये लोग जो आप लोगों को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका जो चल रहा है 12% से 21% तक का चल रहा है। तब हम लोग ने मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन लिया था 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे 12 से 21, मतलब कि ये 12 से 21 में आप लोगों को कई सारा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। ये आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से अबव होगा तो आपको एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10-11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलेगा। अदरवाइज अगर आपका सिविल स्कोर गुड, बेकार और काफ़ी बेकार की कैटेगरी में होगा तो आपको काफ़ी लो इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलेगा, और पता नहीं लोन अप्लाई हो कि ना हो। तो अगर आपको सिविल स्कोर अगर आपको नहीं पता है तो सिविल स्कोर चेक करने की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां से आप लोग अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई सारे आपको पेनाल्टी चार्जेस भी देखने को मिलेंगे कि क्या क्या पेनाल्टी चार्जेस लगेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं, और ये जो एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिक्स्ड नहीं है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि अगर आपका कभी भी, मतलब मार्केट अप ऊपर नीचे होती है तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कभी भी घट बढ़ सकता है। एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 से 21% लिखा है तो आप 1 साल बाद भी देखेंगे तो आपको 12 से 21% का ही फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने आज ये देखा है तो कल मार्केट कुछ और है, तो कल आपके लिए कुछ और रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो ये होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का। बट हम लोग एक्सिस बैंक की ऑफिशियल साइट से आपको बता रहे हैं, तो सारा चीज़ें आप लोग
आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको पता चला कि जो आप लोग ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं वो कैसे डालते हैं, तो वो आपके यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया रहता है कि किस बैंक, अलग अलग बैंक का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो इस बैंक का ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, जैसे मान लीजिए कि हम दूसरी साइडों पर जाते हैं तो वहाँ से आप लोगों को कई सारे बैंकों का देखने को मिलेगा। तो जैसे हम यहाँ पर चलते हैं, इनकी साइड पर चलते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को कई सारी अदर अदर बैंकों का देखने को मिलेगा। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आपको अलग अलग बैंकों का देखने को मिल जाएगा। नीचे आएंगे और भी नीचे आएंगे और नीचे और नीचे, तो यहाँ पे इस वाले में नहीं है बट काफ़ी सारे बैंकों का आप लोग को अलग अलग कैटेगरी देखने को मिल जाता है, बट इसमें नहीं देखने को मिला। कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाइए कि अलग अलग बैंक का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है होता है। एक्सिस बैंक का एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 12 से 21% एज पर आपके सिबिल स्कोर पर। तो यहाँ पे आपको कई सारे चार्जेस भी देखने को मिलेंगे। तो चार्जेस की बात करी जाए तो रीपे आप लोग को 500 रुपये आपको स्वैप चार्जेस पेनल इंटरेस्ट में, अगर आप आपकी मंथली किस्त कभी लेट हो जाती है, अगर 1 महीने की आप मंथली किस्त नहीं देते हैं तो आपको पेनाल्टी इंटरेस्ट भी देखने को मिलेगा। मतलब कि 2% तक का आपको पेनाल्टी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, साल का 24%। अगर साल की भर की आपने फीस नहीं दी तो आपको साल का 24% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये कुछ चल रहा है यहाँ पे एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स में मैंने बात करी, और स्टैम्प ड्यूटी आपके एज पर स्टेटमेंट लॉ के अकॉर्डिंग लगता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अगर आपको 2 लाख का अमाउंट चाहिए तो मैं फिर से यहाँ से, जैसे यहाँ अब आप कहेंगे भाई ये कैलकुलेटर मुझे कैसे मिलेगा, तो सिंपली यार इससे भी अच्छा कैलकुलेटर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ईएमआई कैलकुलेटर, ठीक है। इसका इंटरफेस काफ़ी सिंपल है और इसमें आप लोग को काफ़ी डिटेल से नई चीज़ें क्लियर करी जा रही हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपल पर्सनल लोन क्लिक कर लेना है, जो भी आपको लोन चाहिए, जैसे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, जो भी लोन की प्लानिंग करनी है तो वो आप लोग सेलेक्ट कर लेना है। तो लोन हमने पर्सनल लोन चाहिए तो हमने पर्सनल लोन डाल दिया। अब हमको 2 लाख का अमाउंट चाहिए तो 2 लाख का अमाउंट डाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने मिनिमम ले लेते हैं 12%, ठीक है। अब हमको कितने सालों के लिए चाहिए 2 लाख का अमाउंट, 1 सालों के लिए चाहिए। तो आप लोग दे सकते हैं जो आपकी मंथली किस्त 17,770 रुपये, टोटल जो ब्याज लग रहा है 2 लाख के अमाउंट पर 1 सालों के लिए वो 13,237 रुपये लग रहा है, जो टोटल आपको पेमेंट करनी पड़ रही है 2,13,237 रुपये करनी पड़ रही है। तो काफ़ी सारा डिटेल्स है आप लोग को यहाँ पे, हर मंथ वाइज भी डेटा क्लियर होता है। 2023 में देखेंगे क्लिक करेंगे तो हर मंथ वाइज क्लिक हो जाएगा, प्रिंट भी करवा सकते हैं इसको। तो काफ़ी सारा, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो इसकी यार नहीं दे सकता क्योंकि यार ये एक्सिस बैंक का है, तो ये यार नहीं मैं कर सकता रिकमेंड। तो जो मैं आप लोग को कर सकता हूँ वो मैंने आपको कर दिया क्योंकि इसका इंटरफेस भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, अब आप आपको आपको नहीं पता होगा कि आपका सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए, ये बैंक आपको सिबिल स्कोर कितना मांगती है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग को यहाँ पे सिबिल स्कोर कितना, अगर आपका 750 से अबव सिबिल स्कोर होगा तो आपको एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि 10.25% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से यहाँ से लोन मिलेगा। प्रोसेसिंग फीस की बात करी जाए तो एट द डिस्टेट डायरेक्शन ऑफ द बैंक, मतलब कि अभी कोई भी फीस एंड चार्जेस नहीं, प्रोसेसिंग फीस नहीं लग रही है, बट अगर आप लोग बैंक से संपर्क करेंगे तो आप लोग को पूरा डिटेल से पता चल जाएगा। आपके पास कोई भी ब्रांच हो बैंक की तो वहाँ से आप लोग जाकर के कन्फर्म कर सकते हैं प्रोसेसिंग फीस के लिए। तो लोन टेन्योर आपको 12 से 60 महीने के तक का देखने को मिलता है, मतलब कि 5 सालों तक का आपको लोन टेन्योर देखने को मिलता है। लोन अमाउंट की बात करी जाए तो 50,000 तक का से 15 लाख तक के अमाउंट तक का आप लोग लोन टेन्योर यहाँ एक्सिस बैंक से ले सकते हैं। तो हम लोग ने जो बात करी, जो भाई का कमेंट था कि एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन चाहिए, तो एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए तो पहले हम लोग ने यहाँ से अपनी एलिजिबिलिटी चेक करी कि क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है, कितनी सैलरी होनी चाहिए, कितना एज होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग ने इस यहाँ से कैलकुलेट करके देखी, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी हम लोग ने बात करी, ठीक है। तो ईएमआई कैलकुलेटर कैसे करेंगे तो उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने इस वीडियो में कवर करी, साथ ही साथ क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट समय में चल रहा है, क्योंकि कल रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो अभी चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज यार वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।